अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं अपने माँ की कसम खाता हूँ, किसी को कुछ नहीं कहूंगा। कांचा, रहने दे, आराम से। ये बेचारा तो पहले से ही डरा हुआ है। हटा 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 इसे। अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए हम जैसा जैसा कहेंगे ये चुपचाप पैसा वैसा करेगा। करेगा ना? आप लोग चाहते क्या है मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, पर तुझे नाम बदलने हैं। ये जो डीएनए रिपोर्ट्स तूने निकाली है ना, उसमें वृंदा का तुलसी और तुलसी का वृंदा, बस इतना ही करना है, हो जाएगा ना? जी। शाबाश। सॉरी रघुवीर भैया, तुलसी आप ही की बेटी है, ये सच आपको कभी पता नहीं चलेगा। कौन से नए ख्यालों में खो गई तू तुलसी? कौन सा नया प्लान बना रही है तू अपने सेठ और सेठानी को बचाने का? मैं प्लान नहीं बना रही हूँ बंटी भैया, मैं तो बस यही सोच रही थी कि मेरा डीएनए सैंपल सेठ से मैच हो जाए। काश मैं उनकी असली बेटी होती। ओए ड्रीम गर्ल, फिर खुली आंखों से सपने देखने लगी? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब वृंदा कोई थी तब वो 2 साल की थी, और जब मैं बंटी भैया को मिली तब मैं भी तो 2 ही साल की थी ना। ये लीजिए, बदल दिया आपका नाम। शाबाश डॉक्टर, बधाई हो राकेश सेठ। अब इस रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि हमारी चमेली, बोले तो हमारी वृंदा, रघुवीर रायचंद की ही बेटी है। ऐसा कोई काम नहीं जो ताई ना कर पाए। अब ताई मैं एक कॉल करके आऊं प्लीज। आप लोग काम हो गया ना, अब तो मेरी माँ को जाने दीजिए। जा, तू और तेरी माँ आजाद। और सुन, तेरी माँ को मेरा प्रणाम बोलना। कांचा, इसका और इसकी माँ का जरा खास ख्याल रखना, मगर कुछ करना मत। Thank God, राकेश तुम्हारा फोन आ गया। कहाँ हो तुम, काम हुआ कि नहीं? बेबी मैं सब कुछ बताता हूँ, पहले तुम बताओ तुम कहाँ हो? मैं घर पे हूँ, भागने की बहुत कोशिश की मैंने पर नहीं भाग पाई, और जानकी भाभी वृंदा को अपने रूम में लेके चली गई। रिलैक्स, अभी भागने की जरूरत नहीं है, काम हो गया और मिला। मेरे पास एक ऐसी रिपोर्ट है उर्मिला, जिसमें लिखा है कि डीएनए रिपोर्ट्स के हिसाब से वृंदा ही रघुवीर भैया की बेटी है। तुमने मुझे आज इंप्रेस कर दिया, थैंक गॉड। पर ये कमाल हुआ कैसे? मैंने और माला ताई ने डॉक्टर को धमकाया, डराया, और उसने डर के मारे नाम बदल कर नकली डीएनए रिपोर्ट्स बना कर दे दी। जय हो भोलेनाथ की, आज हम बच गए। राकेश, मुझे तो लगा था इस घर में आज आखिरी रात है हमारी। मैं जानता हूँ बेबी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक पनौती लग गई है बेबी। पनौती? कैसी पनौती? एक बात बताओ उर्मिला, तुम कहीं सीढ़ियों के पास या बालकनी में तो नहीं खड़ी हो ना? क्योंकि मैं तुम्हें जो बात बताने चाह रहा हूँ उसे सुनकर तुम गिर सकती हो। क्या बताने जा रहे हो राकेश, क्या हुआ बताओ। उर्मिला, रघुवीर भैया और जानकी भाभी के असली बेटी का पता चल चुका है। क्या? हाँ। राकेश कौन है? तुलसी है। उर्मिला, तुम ठीक हो? तुलसी, रघुवीर भाई साहब की बेटी? हाँ उर्मिला, तुलसी ही है रायचंद खानदान की पोती,
नहीं राकेश, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। राकेश मुझे तब बेहूदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। बेबी काश ये बेहूदा मजाक होता। लेकिन रघुवीर भाई साहब ने पता नहीं क्यों अपने साथ साथ तुलसी का भी डीएनए टेस्ट करवाया था। वो रिपोर्ट मैंने अपनी आंखों से देखी और मिला, रघुवीर भाई साहब और तुलसी का डीएनए मैच हो रहा है। बंटी भैया, मुझे वापस बताओ ना कि मैं आपको कैसे मिली थी। अरे ये कहानी मैं तुझे 6 बार सुना चुका हूँ, वापस सुनोगे? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। बंटी भैया प्लीज बताओ ना। अच्छा बैठ। देख ये कहानी है 6 साल पुरानी, जहाँ इंदौर के 3 इमली बस डेपो पे मैंने चोरी करने का प्लान बनाया। किसी को शक ना हो इसलिए मैंने पुलिस वाले की वर्दी पहन ली। बेबी तुम्हें याद है गणपत काका से असली वृंदा गुम हो गई थी? वो वृंदा को मुंबई लेकर जा रहे थे, तभी 3 इमली बस स्टॉप पे बस रुकती है। गणपत उसी बस में वृंदा को लेकर बैठा हुआ है और तभी एक पुलिस वाला उस बस पे चढ़ जाता है। पुलिस वाले की वर्दी पहनकर मैं एक बस में हाथ साफ करने ही वाला था कि वहां पे एक बच्चे के रोने की आवाज आई और जाके मैंने बस में देखा तो वहां पे कोई नहीं था। फिर उसी आवाज को मैं सुनते सुनते एक पार्क में पहुंचा। उस पार्क में झाड़ियों के बीच में एक पौधे के नीचे 2 साल की बच्ची रो रही थी। मैं उस बच्ची को अपने हाथ में लिया, आजू बाजू देखा तो कोई नहीं था। उसे लेके मैं लोगों के पास गया, लोगों ने उसे पहचानने से मना कर दिया और गणपत डर जाते कि पकड़ा ना जाए। और गणपत वो वृंदा को उसी पुलिस वाले के पास छोड़कर वहां से भाग जाता है। फिर मैंने ये ऊपर वाले की मर्जी समझ ली कि शायद जैसा मैं अनाथ हूं इस बच्ची को भी किसी ने अनाथ बनाकर झाड़ियों के बीच में छोड़ दिया। उस दिन से मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो मैं इसे अपना बनाकर रहूंगा, इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगा। पर उसका नाम मैं सोच नहीं पा रहा था क्या रखूं। तो याद आया कि जिस पौधे के पास मुझे मिली थी क्यों ना मैं उसी का नाम रख दूं। तो मैंने नाम रख दिया तुलसी। और किस्मत का खेल देखो उर्मिला, 6 साल बाद रघुवीर भैया उसी तुलसी से मुंबई में जाकर टकराते हैं। गोद लेने गए वो भी अपनी असली बेटी को। वो तो अच्छा हुआ कि हम नकली वृंदा को बीच में लेकर आ गए, नहीं तो सारा खेल तभी खत्म हो गया होता। और मिला लेकिन पता नहीं कैसे और मिला घूम फिर कर तुलसी यानी असली वृंदा अपने घर लौट के आ ही गए। बस 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 राकेश, पुरानी बातें याद करके कोई फायदा नहीं। तुलसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसी का घर है। और रघुवीर भाई साहब ने तुलसी का टेस्ट करवाया, इसका मतलब उन्हें भी कहीं ना कहीं शक था कि तुलसी उनकी बेटी हो सकती है। बस राकेश, इस राज को राजी रहने दो और अब जल्द से जल्द तुलसी को हमेशा के लिए यहां से विदा करना है। अब देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।